अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स का अपडेट्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइमस्टैम्प को क्लिक करें। इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो गया है। पहले दिन इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने 223 रन बनाए। भारत की तरफ से पुजारा ने 43 रन बनाए, कोहली ने 79 किए और पंत ने 27 रन मारे। कोहली ने 158 गेंदों में 50 किया, जो कि उनके अभी तक के करियर का सबसे स्लोएस्ट 50 है। कोहली एक छोर पे खेलते रहे जबकि बाकी सारे बैट्समैन आउट होते रहे। एक समय पे भारत का स्कोर 211 पे 8 था और विराट कोहली रन बनाने के चक्कर में आउट हो गए। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो गया, जहां न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को एक इनिंग्स और 117 रन से हराया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच टॉम लेथम को दिया गया, जिन्होंने पहले इनिंग्स में 252 रन बनाए थे। यह मैच रॉस टेलर के करियर का भी अंतिम मैच था। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली में हो रहे इंडियन ओपन का। भारत के अस्मिता चहिला ने वर्ल्ड नंबर 28 को हरा के उनको अपसेट कर दिया है। अस्मिता चहिला ने रशियन खिलाड़ी, जिसका नाम आप लोग खुद पढ़ेंगे, तो इस रशियन खिलाड़ी को 24-22 और 21-16 से हराया है। सिंगापुर के लो किन यू ने कनाडा के जंगडोंग शेंग को 16-21, 21-4 और 21-13 से हराया है। वहीं भारत के नंबर वन खिलाड़ी और वर्ल्ड के नंबर थ्री खिलाड़ी किदंबी श्रीकांत ने फॉर्मर वर्ल्ड जूनियर नंबर वन सिरिल वर्मा को 21-17 और 21-10 से हराया है। भारत की पीवी सिंधु ने भी कृष्णा प्रिया को हराकर सेकेंड राउंड में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने कृष्णा प्रिया को 21-5 और 21-16 से हराया। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफायर्स का बात करते हैं। 11 जनवरी को भारत के तीन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन क्वालिफायर में खेले। आइए हम तीनों खिलाड़ियों के रिजल्ट्स जानते हैं। भारत के युक्की भामरी ने पोर्टुगीज खिलाड़ी जे डोमिंग्विस को हराकर सेकेंड राउंड में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने पोर्टुगीज खिलाड़ी को 6-4 और 6-2 से हराया। वहीं भारत के रामकुमार रामनाथन को हार का सामना करना पड़ा। इटालियन खिलाड़ी जियान मैरको ने उनको 3-6 और 5-7 से हराया। वुमेन सिंगल में भारत के अंकिता रैना को भी हार का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन के लेसिया सुरेंको ने उनको 6-1 और 6-0 से हराया है। अब बात करते हैं फुटबॉल अपडेट्स पे। 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक भारत में AFC वुमेन्स एशियन कप होना है, जो भारत के शहर मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारत के 23 मेंबर स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया है। आपको बता दें कि भारत अपने ग्रुप में ईरान, ताइवान और चाइना जैसे देशों के साथ मुकाबला करेगी। जनवरी 20 को भारत ईरान से खेलेगी, जबकि 23 और 26 को ताइवान और चाइना से खेलेगी। इस टूर्नामेंट के लिए भारत ने बहुत ही कड़ा प्रिपरेशन किया है। पिछले साल ही भारत ने ब्राजील जाकर ब्राजील, वेनेजुएला और चिले के साथ मैच खेला था। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और फुटबॉल इंडिया में लोकप्रिय होगा। दोस्तों, ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।